जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं भूस्खलन का खतरा है तो कहीं बादल फटने से सैलाब आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश ने मक्की की फसल को भी तबाह करके रख दिया है। गंदों के कांसर रतनपुरा के लोगों का कहना है कि साल भर में केवल मक्की की फसल की ही खेती करते हैं, लेकिन अब वो भी तबाह हो गई है। उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, प्रशासन तक पहुंच पाना हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाके में फसलों के अलावा सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की एक टीम को जहां का दौरा करना चाहिए और बारिश से हुए नुकसान का डाटा तैयार करना चाहिए और गरीब किसानों को मुआवजा देना चाहिए ताकि किसानों के नुकसान की कुछ तो भरपाई हो सके। होता है, ये हिली एरिया है, पहाड़ी है, टॉप पे रहते हैं, लेकिन इधर बारिशों की वजह से हमारे को साल में एक बार ही मक्की की फसल होती है जिससे हमारा गुजारा चलता है। लेकिन ये भी गिर जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं, हमें राहत ना तो कोई इसको देखने ही आता है कि हाँ जी क्या आपका नुकसान है, कितना हुआ, कितना फसल है। तो लोग भी गरीब हैं, ना तो बोल सकते हैं, ना हंगामा ही कर सकते हैं, ना तो आगे जा सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग, इनको पता ही नहीं है। सर, एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन पे आपने ये जानकारी दी कभी कि ऐसा नुकसान हुआ यहाँ पे? ना अभी तो नहीं दी है, क्योंकि 18 तारीख से लगातार बारिश चल रही है। तो ये कल और परसों दो दिन में बड़ा तूफान आया, हवा चली और बारिश, बहुत ज़ोर की बारिशें आई, जिसकी वजह से मक्की पूरी ही तबाह हो गई है। ये बनने के काबिल अभी बिल्कुल ही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत होती कहीं तो खड़ा होता धूप से, लेकिन कुछ नहीं होगी अभी। क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी सरकार? हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि थोड़ा आके अगर मौका भी किया जाए और गरीब लोगों की थोड़ी हेल्प की जाए, ताकि लोगों का बहुत नुकसान हुआ है तो इनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। सर, फसलों के अलावा यहाँ पे और भी कोई जानी माली नुकसान यहाँ पे इलाके में? नहीं, जानी मानी नुकसान तो नहीं हुआ है, जानी माली नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन रोडों का बहुत तबाही हो गया है। गाड़ी का आना जाना ये सब कुछ ख़त्म है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, रोड का बुरा हालात है। बीमार शुमार ये पहुँचाने होगा तो इसका भी कोई सिस्टम अभी तक नहीं है, क्योंकि गाड़ियां जब धूप होती है चलती है, बारिश होती है तो बंद रहती है। थोड़ा एक जाई रोड पर बोल रहे हैं, जाई रोड की कंडीशन ख़राब हो गई है टोटल, ये देख रहे हैं कि बारिश की वजह से बिल्कुल तबाह है ये रोड। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे, तो आपको क्या लगता है इस रोड का काम कब से रुका हुआ है, और रोड ना होने की वजह से भी तो लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते होंगे? सर, लोग तो आना पसंद करते थे, लेकिन अब ये जाई रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि इसमें आदमी पैदल चलने से भी डरता है, क्योंकि इसमें ऊपर से पहाड़ पत्थर आते हैं, नीचे कोई इसका मतलब इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कोई मेटल नहीं है और कच्ची मिट्टी है, वो लाल मिट्टी, उसमें गाड़ियाँ स्लिप मारती हैं, तो कुछ नहीं चल रहा है। अगर धूप होती है तो लोग तो आना चाहते हैं, लोग बेचारे चलते हैं, लेकिन चलेंगे कैसे कि रोड की बहुत बुरी कंडीशन है। तो दो साल से इसका कोई काम भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप सरकार से कोई रिक्वेस्ट करेंगे इस रोड को लेकर? सर, हम तो सरकार से यही करते हैं, हम तो लिख के भी देते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि ये भद्रवाह के साथ लिंक है और हमें इसका बहुत बहुत लोगों को इसका बहुत बेनिफिट है, फ़ायदा है, तो टूरिज़्म भी है इसमें, तो इस वजह से हम गवर्नमेंट से यही इतला करते हैं कि ये गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसका कुछ ना कुछ काम शुरू करे। बहुत बहुत शुक्रिया। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. GK Update, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.